नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जियो माई फैमिली चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं हॉल्स के प्रदेश कहे जाने वाले रीवा क्षेत्र में। क्या 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 कह रहा है बेटा? आ रही है। कौन है इसमें? आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं रीवा में ही स्थित एक बहुत ही सुंदर फॉल है। वैसे तो बहुत सारे फॉल्स हैं यहाँ पर, उसके ऑलरेडी ब्लॉग बन चुके हैं और जिस फॉल के पास अभी हम लोग आए हैं उसकी भी ब्लॉग पहले डाल चुके हैं अपन। मगर आज जो खूबसूरती देखने को मिल रही है वो पहले वाले ब्लॉग में नहीं मिली थी, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं ऊपर में सिर्फ बादल ही बादल हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं रीवा में स्थित यहाँ के सबसे सुंदर वाटरफॉल के पास, जिसका नाम है पुरवा वाटरफॉल। पुरवा वाटरफॉल बेसिकली वो देखिए सामने, मैं अब हाइट आपको दिखा देता हूँ। पहले एक डॉग और एक मॉन्की सामने, ये देखिए। वाटरफॉल की उत्पत्ति बेसिकली कोन्स रिवर की वजह से होती है, जो ऊपर चट्टानों से गिरता है और फॉल्स के रूप में उभर कर आता है। पुरवा वाटरफॉल लगभग 200 फीट ऊंचाई से गिरता है, यानी कि लगभग 67 मीटर, और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। खासकर बारिश के समय में इसकी खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उभर कर आती है। वही फॉल का नज़ारा का लुत्फ उठाते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए पुरवा फॉल, और यहीं से हम लोग का टर्न होना है। ये देखिए आज बहुत सारी गाड़ी आई है, यानी बहुत तादाद में भीड़ लगी है घूमने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पुरवा फॉल के पास। जितने लोग आ रहे हैं सब गीले होके आ रहे हैं, यानी कि आगे बहुत ही ज़्यादा पानी है। और ये देखिए इस तरफ नए प्लेटफॉर्म बन गए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है पहले की तुलना में। आइए देखते हैं आगे क्या है। हाँ बेटा, ये देखिए जगह जगह पे कैनोपी भी बना दिए गए, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। और ये देखिए पानी की तरह आपको पानी आता हुआ दिख रहा होगा। नहीं, वो बना हुआ है बराबर। अच्छा हाँ, वो यार दिख रहा है। हाँ देखिए, फाइनली हम लोग आ गए हैं फॉल के और नज़दीक से देखते हैं। चलिए, इतनी ज़्यादा पानी की फुहारे आ रही है। फाइनली हम लोग आ गए हैं पीक पॉइंट के पास। वाह, पूरा पानी आ रहा है यार। हाँ बेटा, गीले हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पूरा फुहारा ही फुहारा, पूरा गीले हो गए हम लोग। गजब है, बारिश में इसको देखने का मज़ा। वो वाला ऊंचाई वाले पॉइंट पे चला जाए ना तो वहाँ से और अच्छा दिखेगा, मगर वहाँ पानी बहुत आ रहा है और बिल्कुल गीले हो जाएंगे हम लोग। खतरनाक भी है।
ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है, कुछ बेटा आवाज चलो मम्मी तो चल गई है यहाँ से, और शानदार आ रहा है नहीं। ये देखो मंकी, हमारे लल्ला जी क्या कर रहे हैं, जाइए ऊपर।
क्योंकि वहाँ से यहाँ स्लोप है तो कार इनको चलाने में काफ़ी सहूलियत कर रही है। ये देखिए इनकी कारें जो हैं एकदम और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं हमारे शुभम बाबू। अभी भी बादल छाया हुआ है दोस्तों, देखिए बहुत ही सुहाना मौसम था। फाइनली ये सारे नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं, पहुंच गए हम लोग फिर से कार पार्किंग में। ये देखिए ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वैसे शाम के 5:10 हो गए हैं मगर फिर भी लोगों का आना जारी है। I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. ये देखिए दोस्तों, पूर्वा फॉल से पहले ये पुल पड़ता है और पुल में देखिए कितना ज़्यादा पानी। पहले हम लोग नीचे वाले पुल से जाते हैं जो काफ़ी क्षतिग्रस्त था, पिछले ब्लॉग में आप देख सकते हैं, मगर अब ये पुल बन के तैयार हो गया है और ये काफ़ी ऊंचा है, इसलिए अगर बहुत ज़्यादा भी बारिश हो तब भी उस स्थिति में भी ये जलमग्न नहीं होगा। पहले वाला जो पुराना पुल था वो जलमग्न हो जाता था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड। ये रहा वो पुल, ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग मुश्किल से 5 फीट पानी बचा होगा। 5 फीट और ऊंचाई पानी आएगा तो वो पुराना वाला पुल जो है जलमग्न हो जाएगा, और उसके तुलना में ये वाला पुल काफ़ी ऊंचा है। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, क्या शानदार हवा चल रहा है यहाँ, बहुत ही मस्त। पुल जो है ना एमडीएम, बस 5 फीट बचा हुआ है, वो भी डूब ही रहा है। सिर्फ 5 फीट बचा हुआ है, वो वाला पुल भी डूब ही जाएगा। हाँ पुराना वाला पुल है वहीं पे, तोड़ा नहीं गया उसे। हाँ हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही शानदार ब्लॉग लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और कौन से प्लेसेस हैं जिनके ब्लॉग आप देखना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। I'm gonna go.